एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूरोप्लास्टी सिटी के बारे में। अगर आपने इससे पहला वाला वीडियो नहीं देखा है कि स्ट्रोक क्या होता है, तो इस वक्त आई बटन शो हो रहा है, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक के बारे में। हमें स्ट्रोक और न्यूरोप्लास्टिसिटी को कनेक्ट करना क्यों जरूरी है? आपको जरूर याद होगा, जब आपने पहली बार बचपन में साइकिल चलाना शुरू किया था तो आप जरूर गिरे थे, लेकिन आप टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते गए और आप साइकिल चलाने में परफेक्ट। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रेन के अंदर नए कनेक्शंस बने, ब्रेन ने अडेप्ट किया और लर्न की नई चीजें। इसी ब्रेन की प्रॉपर्टी को, जिसमें वो नई चीजें लर्न करता है और अडेप्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मतलब पूरे जीवन भर में आप नई नई चीजें सीख सकते हैं और अडेप्ट कर सकते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? अगर हम दो पार्ट में इसको तोड़ें तो न्यूरो मतलब होता है नर्वस टिश्यूज, ब्रेन, CNS, और प्लास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिक की, जिसके अंदर हम उसे अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने ब्रेन को भी रिवायर कर सकते हैं, उसे मोल्ड कर सकते हैं। मतलब हम, अगर आपको स्ट्रोक के रिस्पेक्ट में समझाऊं, स्ट्रोक में क्या होता है, हमसे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि जब हमारे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो गया है, अब वो सही नहीं होगा तो हमारा फंक्शन वापस कैसे आएगा? वो फंक्शन वापस आएगा न्यूरोप्लास्टिसिटी से। टाइम टू टाइम क्या होगा, ब्रेन के अंदर नए कनेक्शन फॉर्म होंगे, जो पहले से कनेक्शन है वो और स्ट्रांग होंगे और इससे हम वापस अपने सारे जितने भी फंक्शन है हम रिगेन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवायरिंग। ब्रेन के अंदर रिवायर हो जाते हैं, नए नए पाथवेज बन जाते हैं। जो काम कोई और टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज कर रहे होते हैं, वो काम किसी और नर्वस टिश्यू पे हैंडओवर हो जाता है और फंक्शन बॉडी के अंदर रिगेन हो जाता है। इसी तरीके से स्ट्रोक पेशेंट्स में भी होता है। स्ट्रोक पेशेंट्स में अक्सर आपने देखा होगा कि बॉडी के आधी साइड में वीकनेस हो जाती है या पैरालिसिस हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बॉडी की साइड के अपोजिट साइड के ब्रेन में हमारे ब्लड का सप्लाई कम हो गई थी और वहां के टिश्यूज डैमेज हो गए। लेकिन टाइम के बाद ऐसा क्या होता है वहां पे कि अपने फंक्शन वापस आ जाते हैं, वहां के टिश्यूज अडेप्ट करते हैं नई चीजों के बारे में, सीखते हैं और जो फंक्शन किसी और नर्वस टिश्यू का होता है वो किसी और को ट्रांसफर हो जाता है और हम वापस चलने फिरने लग जाते हैं। हमें साइनैप्स के बारे में भी जानना जरूरी है जब हम न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझ रहे हैं। तो हमारे अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंपल्सेस के फॉर्म में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती है और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसे साइनैप्स कहते हैं। इस साइनैप्स में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो पहले वाले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से ये जो साइनैप्स हैं, हम इसकी स्ट्रेंथ को मॉडिफाई कर सकते हैं और नए साइनैप्टिक कनेक्शंस बॉडी के अंदर बना सकते हैं, जिससे हमारी ब्रेन के टिश्यूज हैं वो रिकवर हो सकते हैं और हम वापस अपने फंक्शन को रीगेन कर लेते हैं। फिजियोथेरेपी में हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं और इसी न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से हम स्ट्रोक पेशेंट्स को, चाहे उनकी जितनी भी एज हो, चाहे वो 75 ईयर्स के हो, 85 ईयर्स के हो, हम उनके डेली लाइफ की एक्टिविटीज को वापस नॉर्मल लाने में मदद करते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम बताएंगे कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी मदद करती है हमारे रिकवरिंग के अंदर स्ट्रोक पेशेंट्स को, ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट्स को करा सकते हैं जिससे उनकी फास्टर रिकवरी हो। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।